थोड़ी सी लाइट कम लग रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी लाइट जरा ढंग से की रोशनी कर ली जाए। और मौसम का इफेक्ट थोड़ा सा हो रहा है, बाकी सारी चीज़ों को साइड करते हैं। वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद रचिनी वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपने अपने घरों में बने हुए होंगे। तो आज का व्लॉग कंटिन्यूटी में देखने के लिए बने रहिए, और अगर आपको पसंद आते हैं मेरे व्लॉग तो लाइक कर दीजिए, और आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। और हाँ, छोड़ करके मत जाइएगा कि ये तो बातें बना रही है, छोड़ करके मत जाइएगा पूरा देखने के बाद। और अपनी राय, अपनी जो भी आपकी विचार है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं आप लोग, और प्लीज़ आज छोड़ देना। और हाँ, ये वीडियो मेरी फैमिली भी देखती है और व्यूवर्स भी देखते हैं, जिसे यूट्यूब फैमिली भी एक नाम दिया हुआ है यूट्यूबर्स ने, बट मैं सिर्फ व्यूवर्स कहूँगी, फैमिली 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 होती है, ठीक है ना। जो फैमिली हमारी है, जो भगवान ने बनाई है, वो फैमिली फैमिली होती है, उसकी जगह कोई नहीं रह सकता है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप लोग टाइटल देख के थोड़ा समझ गए होंगे। तो जो भी आज देख रहा है ना मेरी वीडियो, आज फर्स्ट टाइम शायद मैं इतना रिक्वेस्टली फोर्सफुली आप लोगों से कहूँगी या कह रही हूँ, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बाकी तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। और इधर बालों में मेरे तेल लगा हुआ है बहुत सारा, बट मैंने खोले हुए हैं क्योंकि मुझे ना ये वाली चीज़ बना करके ना थोड़ा हैवी हैवी सा लग रहा था। आज बालों में तेल डाल करके रखा हुआ है, वॉश करूँगी कल, तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा पीछे होकर के बैठ जाती हूँ आराम से, ऐसे भी थोड़ा आगे ही कर लेती हूँ। तो जैसा आप लोग टॉपिक देख करके समझ गए हो कि आज का जो मेरा वीडियो है वो अभी जो हाल फिलहाल में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लेटेस्ट जो एक टॉपिक चल रहा है ना, सो कॉल्ड भाई बहन का रिश्ता, बिकमिंग, जो भी नाम दो इसको, तो उस पर मेरा ये आज का वीडियो है। और वीडियो भी क्या है, मैं किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट तो देखिए मैं बोलती हूँ, आप लोगों को पता है मेरी वीडियो बहुत सिंपल सी होती है। मेरी वीडियो डेली व्लॉग अगर मैं डाल रही हूँ तो मेरा मैं सिर्फ अपना एनी बड़ी एल्स किसी का भी मैं अपना या अपनों से जुड़ा हुआ कहाँ, मैं बाकी किसी का भी मैं किसी का नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़ायदा है। तो मैं अगर अपनी कहूँ तो मैंने यूट्यूब शुरू किया था एज अ टाइम पास, बच्चों की अपनी पढ़ाई शुरू हो गई, मतलब बच्चे अपनी पढ़ाई में रहते हैं, बच्चों का काम कर दिया, पढ़ा दिया, बट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता था तो मैंने शुरू किया था एज अ टाइम पास। और उस टाइम पास को फिर मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी थोड़े दिन बाद वो मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने अपनी हॉबी बना लिया, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, अगर इससे मतलब थोड़ी इनकम हो जाए, कोशिश की जाए तो क्या बुराई है, तो मैं उसे एज अ प्रोफेशन अपना लेने लगी। बट मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मेरी अभी तक सैलरी फर्स्ट नहीं आई है, तो एज अ प्रोफेशन मैं लेती हूँ, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि एज वो मेरा प्रोफेशन है, बहुत उससे मैं कोई कमा रही हूँ। और भाई सही बताऊँ अब तो मैं चाहती भी नहीं हूँ। आप लोग एक बात बताओ, क्या यूट्यूब छोड़ना सॉल्यूशन है? जो कुछ यूट्यूब पर चल रहा है आप लोगों को सजेशन देना। कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर लगता है मुझे 5 साल होने वाला है कि 5 साल की मेहनत एक झटके में ऐसे छोड़ दूँ, मतलब। और जबकि मुझे वीडियो बनाना थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता मुझे वीडियो बनाना। तो
मैं कह क्या रही हूँ, कहना क्या चाह रही हूँ, लेकिन चलो अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पर। तो आजकल जो YouTube पर एक चला हुआ है, जो लोग भी YouTube से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए तो खैर आधी से ज़्यादा दुनिया होगी किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो यहाँ से उठ के सिर्फ अभी तक यहाँ पहुँचे हैं या इतना ऊपर चले गए हैं कि दिख भी नहीं रहे हैं एज अ अर्निंग, एज अ फेम इनमें, तो उन सबको पता ही होगा कि क्या हो रहा है। मैं नाम भी ले लेती हूँ, चलो हैशटैग सचिन नेहा जगदीति एंड भैया का टॉपिक, तो ज़्यादा तो मैं उस बारे में नहीं कह रहा, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जो आम पब्लिक होती है, वो जो सब जगह कमेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे वो पता चल रहा है देखती हूँ, तो वो लोग कह रहे हैं, मतलब जो यूट्यूब पर नहीं है, जो वीडियोस नहीं बनाते हैं, उनका कहना ये है कि यूट्यूब पर जो भी कोई आता है ना, उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब होता है और पैसों से मतलब होता है। अब उसके लिए वो कुछ भी गंद कर सकते हैं, कितनी भी गालियाँ सुन सकते हैं, अपनी फैमिली को कितना भी मतलब डिफेम कर सकते हैं, अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं करते। बट क्या सबके साथ में ऐसा है? मैं तो नहीं मानती भाई। मैं तो उन इंसानों में से हूँ, अभी भी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं अपनी फैमिली को भी बोल रही हूँ, जो भी अभी देख रहा है, मैं आप सबका ध्यान रखते हुए शब्दों का चयन, शब्दों को चूज़ करना, बोलना, मैं उस अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ। क्योंकि भाई लॉज की तरफ तो देखिए मैं नहीं जानती कौन देखता है कौन नहीं देखता है, बट हाँ देखते तो हैं, बट कौन कौन देखता है मुझे ही नहीं पता है। इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, मैं बता रही हूँ। बट मेरे मायके की तरफ मेरी जो जितनी भी फैमिली है, सब वीडियोस मेरी देखते हैं, वो देर से देखे सवेर से देखते हैं, सब मेरी वीडियोस देखते हैं। और मेरी जो एक रेपुटेशन है, वो उन लोगों के साथ भी जुड़ी हुई है, या मैं कहूँ मेरे साथ उन लोगों की भी जुड़ चुकी है, क्योंकि मैं उन लोगों से कनेक्टेड हूँ। जो रिश्ते होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो। हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई भाभी, भाई बहन, बच्चे, भतीजे, भांजे, ये सब फैमिली, मायका की तरफ की मैं बात कर रही हूँ। मेरी अपनी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, या फिर मेरे मायका में मेरी और फैमिली, मेरे मामा हैं, मतलब जो हैं मेरे मामा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, वो भी वीडियोस देखते हैं। तो ये थोड़ी ना मैं उठा के कि मुझे व्यूज़ आ जाए और बस कुछ भी बना दो, मतलब अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इन लॉज के साथ में मतलब जितनी भी फैमिलीज हैं, जिसे कह देते ना इतना 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 इतना, सबके घर में खटपट होती है और वो भी यहाँ पर रखी जाती है। तो इन लोग मेरे भी हैं भाई, मतलब ये सबके ही होते हैं, तो मैं भी खटपट यहाँ भी होती हो, और घर वालों को तो सबको पता ही है कि कुछ होता है नहीं, बट मैं व्यूवर्स से इस टाइम बात कर रही हूँ। बट व्यूज़ अगर ही चाहिए तो मैं एक थंबनेल यहाँ पर बनाऊँगी, इन लॉज और अपना कुछ भी, एक बड़ा ही सैड सा फेस लेके, और मतलब एक टाइटल के साथ मैं थंबनेल लगा दूँ अच्छा सा, और फटाफट उस पर क्लिक होंगी फटाफट, क्योंकि कंट्रोवर्सी चाहिए आजकल यूट्यूब पे, चाहे वो कैसी भी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी होती है, वैसे कंट्रोवर्सी पॉजिटिव तो होती नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और मैं यहाँ बैठ करके अपने इन लॉज को गालियाँ बक रही हूँ, नीचे बड़े चटपटे वो आएंगे कमेंट्स पे, कमेंट्स कमेंट्स पे कमेंट्स, बहन हम तुम्हारे साथ हैं, दीदी हम तुम्हारे साथ हैं, दीदी आप सही कह रहे हो, दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, दीदी ये हुआ है, भाभी ऐसा हुआ है, जिसको जो मतलब बोलना है, कोई भाभी बोलेगा, कोई दीदी बोलेगा। ये होता है व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाना।
एग्जांपल दिया, बट मेरी एक डिग्निटी मैंने मेंटेन की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। जो ये आजकल सचिन ने हैशटैग चला हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो सर्च करके देख लेना जिनको नहीं पता है। तो बाकी बातें अगली वीडियो में करूँगी, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, छोड़ते हैं, विश्राम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाइएगा और बताइएगा क्या यूट्यूब छोड़ दो। राधे राधे।